अष्टविनायका तुझा महिमा कसा, अष्टविनायका तुझा महिमा कसा। दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा, दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा। अष्टविनायका तुझा महिमा कसा, अष्टविनायका तुझा महिमा कसा। गणपती पहिला गणपती आहा, गणपती पहिला गणपती आहा। बालाजी गार्डन श्री गणेश मित्र मंडल सेक्टर 11 बोनखोड़े कोपर खैरने में पिछले 25 सालों से महाराजा चा महाराजा नवी मुंबई चा महाराजा अष्टविनायक दर्शन का भव्य पूजा अर्चना बालाजी गार्डन में बड़े ही श्रद्धा भक्तिभाव से करते चले आ रहे हैं। गणपति बप्पा के चौथे दिन आरती होने के बाद इनक्रेडिबल इंडिया हाउजी का शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस खेल में विजेताओं को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बालाजी गार्डन श्री गणेश मित्र मंडल की कार्यों की सराहना की है। गणपति बप्पा मोरिया। बालाजी गार्डन का 25वां साल है गणपति का। ये हमारा सिल्वर जुबली है और ये गणपति हमारे इच्छा पूर्ति गणपति माने जाते हैं, हमारे नवी मुंबई का राजा माने जाते हैं। और ये टाइम हम लोग अष्टविनायक का थीम रखा है, तो सबसे सबको ऐसा भाविक को दर्शन करने के लिए आने के लिए हम सबको ऐसा प्रार्थना करते हैं कि सब आओ और बाप्पा का आशीर्वाद लेके जाओ। हे 25वां वर्ष है बालाजी गार्डन आयोजित यावेळी गणेश उत्सव आम्ही सादर करत आहोत। बघायला गेलं तर भाविकांमध्ये जो प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय, जी आपुलकी आम्हाला मिळते आणि ज्या पद्धतीने आम्ही आदर उपचार सगळ्यांचा करत आहोत आणि जो आम्हाला पण सन्मान मिळतो आम्ही जो देत आहोत त्याच्याबद्दल आम्ही समक्ष आभारी आहोत। आयोजनाबद्दल बोलायला गेलं तर इकडे वयोवृद्धांपासून लहान मुलांपासून वयोवृद्ध जे 50, 60, 70, 80 वयोवृद्ध जी माणसं आहेत ती इकडे प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपला सहभाग इकडे नोंदवत असतात। आयोजनाबद्दल बोलायचं सांगितलं तर म्हणजे 10 च्या 10 दिवस इकडे सगळ्या भाविकांसाठी जेवणाची वगैरे प्रसादाची महाप्रसादाची सोय केलेली आहे आणि प्रत्येक दिवशी काही ना काही लहान मुलांकरता वृद्धांकरता मिडल एज जे आहेत ते प्रत्येकांसाठी काही ना काही कार्यक्रम मंडळातर्फे आम्ही इकडे आयोजित केले आहेत। गणपती बाप्पा मोरिया। इस साल जो है बालाजी गार्डन का सिल्वर जुबली है, 25वें साल है जब गणपति बाप्पा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, स्थापना हुई है। हर बार हमारे यहाँ पे महल का थीम होता है किसी न किसी पर्टिकुलर स्टेट का। इस बार हमारे यहाँ जैसे देख रहे हैं अष्टविनायक मतलब आठों गणपति के जितने भी स्वरूप है वो विराजमान है यहाँ पे सिल्वर जुबली ईयर में। हर साल टीम मोरिया जो लेडीज़ टीम है वो अलग अलग इवेंट्स करती है सभी के लिए। इस बार भी बहुत अलग अलग थीम लेकर हम आए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कल था, शाम को जूनियर JJWS यानी कि जो जीता वो उसके अंदर 8 साल तक के बच्चों के लिए था। हर एज ग्रुप को कि जो इनके लिए हम गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। आज जैसा आप हम सबको देख रहे हैं वी आर ड्रेस्ड अप इन यू नो सब ने अलग अलग प्रांत की साड़ी पहनी है, महाराष्ट्र की पहनी है, मैंने आसाम की पहनी है, अपने मुझे उत्तर प्रदेश की। तो सब पूरा जो टीम है अलग अलग। आज की जो हमारी हाउजी है वो है इनक्रेडिबल इंडिया हाउजी। और जो आगमन आपने देखा ही होगा कि हमारा आगमन जो था बहुत ही ज़बरदस्त था। वहाँ भी हमने इंडिया को रिप्रेजेंट की, गणेश भगवान जो है हर जगह के हैं तो वो हमने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे एकता बहुत है,
यूनिटी बहुत ही कल्चरल एक्टिविटीज़, ये 10 दिन जो है, जो माहौल जो होता है 10 दिन का, बहुत ही डिवाइन होता है। साथ में एंजॉयमेंट भी बहुत होती है। एक गांव में जैसे मेला लगा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन तरीके से होता है। जैसे आपने इन्होंने बताया कि हमारा 25वां साल है, और 25वें साल के लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियाँ की, और पापा को एकदम भव्य तरीके से उनका हम लोगों ने स्वागत किया अलग अलग डांस फॉर्म्स के थ्रू। और अभी हर दिन हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, और जैसे अभी शैली जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे इतनी यूनिटी है कि हम लोग सब एक परिवार होके, एकजुट होके हम लोग खाना भी साथ में खाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, दोपहर शाम सब साथ में उतरते हैं, बच्चे बूढ़े हर एक एज ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। हर एक एज ग्रुप के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज की गई है, जैसे कि सुबह में छोटों के लिए थी, 2 दिन पहले हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, आज जो है पूरे बालाजी गार्डन के लिए इनक्रेडिबल इंडिया हाउस ही ऑर्गेनाइज की गई है। लेडीज़ के लिए लेडीज़ JJWS है, कपल्स के लिए इवेंट्स हैं, और ये सारे इवेंट्स हम लोग टीम मोरिया जो लेडीज़ विंग है जो गणेश मित्र मंडल का, उन्होंने हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और बहुत ही एंथुजियास्टिक वंडरफुल पार्टिसिपेशन आया, और जैसे पप्पा विराजमान है और वो देख रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कदम के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।